नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस की अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के बाद अब एक और बड़े नेता आनंद शर्मा ने पार्टी से नाराजगी अपनी जाहिर कर दी है। आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, क्योंकि उन्हें पार्टी की किसी भी बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। उन्हें पार्टी में नज़रअंदाज किया जा रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता शर्मा को 26 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद को भी जम्मू कश्मीर कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन आज़ाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस्तीफा देने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद पार्टी से अलग उस G23 समूह का भी हिस्सा हैं जो पार्टी में कई बड़े बदलावों की पैरवी करता है। उन तमाम गतिविधियों के बीच इन इस्तीफे ने पार्टी, शर्मा और आज़ाद जैसे नेताओं के कांग्रेस के साथ रिश्तों पर सवाल खड़ा कर दिया है। और क्या वाकई में अब वो वक्त आ गया है जब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होने से पहले पार्टी में इस हवा को पुरजोर किया जा रहा है कि अब पार्टी में गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और हिंदुस्तान में उस कांग्रेस का आगाज हो जो कांग्रेस कार्यकर्ता या देश में कहीं एक हवा है कि हाँ, वाकई में अब बदलाव होना चाहिए था और समय से बदलाव हो गया है। अब ऐसे में इंतज़ार की घड़ियों के लिए सबसे बड़ी बात कि उसमें G23 समूह के लोग अब इस जो मांग है उसको हवा दे रहे हैं और इसी हवा ने अब धीरे धीरे करके आंधी और आने वाले समय में तूफान का रूप ले लेना है। ये अभी जो चक्रवात एक उठा है, ये महज शुरुआत है कि हाँ, इस बात की मांग को पुरजोर किया जाए कि इस बार का कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर गांधी परिवार का हो। और सबसे बड़ी बात इसी बीच ये भी है कि अशोक गहलोत ने भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। उनसे भी पूछा गया था, उनका भी नाम चर्चा में था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कतई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता और अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या वाकई में आनंद शर्मा का इस्तीफा उसी मांग, उसी अलगाव की एक कड़ी है, उसी हवा की एक कड़ी है, उसी आंधी, उसी तूफान की एक कड़ी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम झा बीजेपी से, भरत प्रजापति कांग्रेस से, आशुतोष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। तो सबसे पहले भरत जी के पास आए, उससे पहले श्याम जी आपके पास आते हैं। आपने तो दरवाजे अपने खोल दिए होंगे, क्योंकि जो कांग्रेस से छूटता है उसके लिए आपके दरवाजे खुले रहते हैं। और इस बार बात कुछ और है, ये भी समझना होगा। क्या लगता है कि यह अलगाव और आपके दरवाजे खुले होना दोनों ही कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं?
या कांग्रेस की खुद की नीतियां कांग्रेस को कमजोर कर रही हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री एजेंडे में आप भी शामिल हैं। जी चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है कांग्रेस जो कमजोर हो रही है, कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से कमजोर हो रही है, और कांग्रेस में जिस प्रकार से नेतृत्व की कमी है, और नेतृत्व की कमी क्या माने, नेतृत्व है ही नहीं, और एक परिवारवाद की वजह से एक ये राष्ट्र पार्टी होते हुए, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करके पूरे देश के सामने, आप तो श्याम जी कई ऐसे विषयों पर बोलते हैं जो आपके विषय नहीं होते, फिर भी आप बोलते ही हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आपका विषय नहीं है? आप तो उन विषयों में भी टांग अड़ा देते हैं जो आपका विषय नहीं होता। आप तो समझ ही रहे होंगे मेरी बात को अच्छे से। ये अपने विचार मैं रख सकता हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी है चंद्रशेखर जी, तो उस नाते मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से नेतृत्व इस पार्टी में है ही नहीं, और बिना नेतृत्व के आप भी जानते हैं कि कोई पार्टी चल नहीं सकती। किसी भी पार्टी के लिए एक नेतृत्व का होना जरूरी है, और पूरे देश में अगर हम देखे विपक्ष के नाम पे ये लोग हमेशा बोलते हैं कि विपक्ष एकजुट है, विपक्ष एकजुट है, और हमने महागठबंधन बना लिया। आज एक चीज देखें, एक तरफ आज चर्चा चल रही कि अगला जो प्रधानमंत्री का जो प्रत्याशी होगा अरविंद केजरीवाल जी होंगे, कभी नीतीश कुमार जी का नाम आता है, कभी राहुल गांधी जी का नाम आता है, कभी ममता बनर्जी का नाम आता है, और चारों तरफ सब ने इतने इतने प्रधानमंत्री के प्रत्याशी इन लोगों ने तैयार कर दिए हैं, और एकजुटता फिर भी कहते एकजुटता है, और एकजुटता है तो आप एक नाम तय करो, किसी के नाम पे सहमति बनाओ, केजरीवाल जी होंगे या राहुल गांधी होंगे या ममता वाड्रा होंगे या कौन होगा, एक बार तय तो करें। लेकिन उसके बावजूद लेकर बोलते हैं कि नहीं, विपक्ष एकजुट है, महागठबंधन बन गया है, और हम इस बार मोदी जी को रोकते रहेंगे। अरे भैया, मोदी जी को रोकने के लिए पहले आप तय तो करो कि कौन आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है आप सभी में। ये पूरी तरह से इसमें फूट है महागठबंधन में, महागठबंधन पूरी तरह से छतराया हुआ है, और इस प्रकार से जो कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह जो खुल खुल के बार 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 सामने आता जा रहा है, इससे आप तय कर सकते हैं कि विपक्ष जो है पूरी तरह से छतराया हुआ है, बिखरा हुआ। ठीक है, ठीक है, इसी छतराए हुए विपक्ष का तो आपको फायदा हो रहा है। आशुतोष शर्मा जी, क्या लगता है कि ये जो अलगाव की आंधी, ये जो चक्रवात खड़ा हुआ है आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद G23 के रूप में, ये कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, उससे पहले शायद इस मांग को पुरजोर किया जाना है कि जो अध्यक्ष है वो गैर गांधी परिवार का हो, या कुछ और भी बात है इसके भीतर? तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इस समय कांग्रेस पार्टी एक बड़े गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है, और कांग्रेस जो है परिवारवाद को लेकर के चलते हुए कांग्रेस के सदस्यों में काफी रोष की स्थिति है। इस समय बड़े वरिष्ठ नेता काफी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, और आनंद शर्मा भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी अभी तक परिवारवाद से जूझती रही है, और गांधी परिवार के अलावा कोई इनको दूसरा नेतृत्व के लिए सशक्त नेता नजर नहीं आ रहा है। और जहां तक गांधी परिवार है, लोग बाग कांग्रेस पार्टी में इनसे उठ चुके हैं, वो पार्टी के शीर्ष स्थल पर नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी से अलग होते नजर आ रहे हैं, और आने वाले समय में और भी लोगों के निकलने की संभावना है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस इस समय बहुत गंभीर संकट की स्थिति से गुजर रही है, इनको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आपस में बैठ करके उस पे गंभीर विषय पे विचार विमर्श करना चाहिए, और अगर मेजोरिटी बहुमत संख्या कांग्रेस में बदलाव चाहती है तो उसको बदलाव को शीघ्र अतिशीघ्र लाना चाहिए। ठीक है, मैं भरत जी के पास आऊँ, उससे पहले ये मैं श्याम जी जानना चाहता हूँ, आप इतना गंभीर क्यों हो रहे हैं? जब तक आनंद शर्मा को नहीं ले लेंगे तब तक नहीं मुस्कुराएंगे क्या? जब तक आनंद शर्मा आपके दरवाजे के भीतर नहीं आ जाएंगे तब तक नहीं मुस्कुराएंगे? इतना गंभीर क्यों हो रहे हैं? यही सोच रहे हैं क्या? यही दिमाग में यही उधड़बुन चल रही है, कैसे लाएं, कौन से दरवाजे से लाएं, कौन किससे ट्वीट करवाएं, कौन किससे संवाद जारी करवाएं, गुवाहाटी से करवाएं या कहां से करवाएं? आ जाएंगे भाई, ऐसे इतना गंभीर होने की क्या आवश्यकता है इसमें? जी नहीं, मैं तो ये कह रहा था ना, आप इतना गंभीर थे इसलिए मैंने कहा कोई बात हो गई है कि आ जाएंगे आराम से,
तसल्ली रखिए भाई, ऐसे एकदम थोड़ी होता है आज इस्तीफा दे दे भी आ जाए, आ जाएंगे थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सोचा शायद इसलिए गंभीर हो रहे हैं। भारत प्रजापति जी, भाई क्या हो रहा है, भाई क्या हो रहा है, क्या पूरे कुनबे को मिटा के ही छोड़ेंगे क्या आप? सुन लीजिए भाई, एकाध किसी व्यक्ति की बात, कोई एकाध आदमी कुछ कह रहा है, इतने लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए उनकी बात। खुद राहुल गांधी ये कह रहे हैं, गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पुरजोर मांग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी है। कार्यकर्ता भी दो तरह के हैं, एक खांटी कार्यकर्ता और एक निकटस्थ कार्यकर्ता। निकटस्थ तो कहते ही हैं कि गांधी परिवार से ही हो, लेकिन खांटी कार्यकर्ता जो कांग्रेस को मरते हुए समाप्त होते हुए दम तोड़ते हुए संक्रमण काल में देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप जिंदा कीजिए कांग्रेस को। तो अड़चन क्या है भाई? अभी आप पता चल जाएगा आपके बोलने से, आप निकटस्थ हैं या खांटी हैं। नमस्ते त्रिशूल जी, मुस्कुरा के गम छुपा रहे हैं आप भी मुस्कुरा रहे हैं और गम छुपा रहे हैं। चलिए चलिए बताइए, कौन से कार्यकर्ता हैं बताइए, खांटी हैं कि निकटस्थ हैं? देखिए त्रिशूल जी, इसमें हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या कोई गांधी सरनेम से हटकर कोई बने, इसमें कांग्रेस पार्टी को किसी को भी मतभेद नहीं है। ये मतभेद जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको लग रहा है। मुझे बताइए, इतने 2014 से ही क्यों गांधी सरनेम इतना चल पड़ा देश में? इसके पहले तो हम उसको सम्मान पूर्वक देखते थे, आज गांधी का फोटो हम जेब में लेके घूमते हैं, तो आज गांधी सरनेम से आपको इतनी तकलीफ क्यों होने लगी? ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। रही बात अध्यक्ष हमारा कोई भी बने, जनता की सेवा के लिए ही बनेगा। आज अगर मैं इनसे पूछूं कि भाई आपके संसदीय कमिटी के अंदर आपने RSS के चहेते आदित्यनाथ योगी जी को क्यों नहीं लिया? आपने नितिन गडकरी जी, जो इस सरकार के सब विपक्ष हो या पक्ष हो या जनता हो, सबके चहेते नेता नितिन गडकरी जी को क्यों बाहर किया? अरे तो ये सब इनकी मजबूरियां है। ये सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ इनसे। रही बात त्रिशूल जी, अच्छा, हमारे अच्छा, सुनिए सुनिए भाई सुनिए भारत जी, इस्तीफा आनंद शर्मा ने कांग्रेस से दिया है और हिमाचल प्रदेश की कैंपेन कमेटी से दिया है, बीजेपी से नहीं दिया है। मैं सुधार कर दूं आपको, ऐसा लग रहा है। देखिए इस्तीफा, त्रिशूल जी, इस्तीफा कोई देवे नहीं देवे वो पार्टी का हमारा ऊपरी नेतृत्व तय करेगा आगे क्या करना। और आनंद शर्मा जी ने यह भी कहा है कि मैं राज्य की चुनाव कैंपेन में मैं पूरा पार्टी के साथ में हूँ और चुनाव के साथ में। अभी तक उन्होंने कोई ठोस निर्णय लिया नहीं है कि मैं मतलब पार्टी के साथ हूँ या नहीं हूँ। आने वाले दिनों में शायद पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दे। हाँ, उनकी नाराजगी होगी तो उन्होंने बड़ी इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी? वो तो केंद्र सरकार में कोई जिम्मेदारी दे देगी क्या? देखिए 84 में जिसको इंदिरा गांधी ने राज्यसभा में भेजा, उसको क्या बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे जरा बताइए? जब से लेके अभी तक राज्यसभा के सदस्य क्या बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे? आनंद शर्मा चुनिंदा उन चेहरों में नाम शुमार है कांग्रेस के, जो कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाते हैं, जो कांग्रेस के बिल्कुल, जिन्होंने कांग्रेस के वर्चस्व को बनाने के लिए अपना जिसे कहते हैं मन वचन कर्म एक कर दिया, उनमें को आनंद शर्मा का नाम है। उनको क्या बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे जरा बताइए? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? इसलिए इस्तीफा दिलवाया है? कमाल करते हैं सुनिए तो सही, आप बोलने ही नहीं दे रहे। अरे क्या बोलने दे, आप बोलिए, काम की बात तो बोलिए कम से कम। काम, अरे वही बता, और इसीलिए इस्तीफा दिया है, इसीलिए इस्तीफा दिया है कि उनके कद की बात नहीं हो पा रही थी कांग्रेस में। भरत जी, और आप भी उनके कद की बात नहीं कर रहे हैं। त्रिशूल जी, परिवार जब बड़ा होता है तो परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतभेद होता है भाई। ऐसा बड़ा परिवार हमने नहीं देखा, ऐसा बड़ा परिवार नहीं देखा। एक भाई दूसरे भाई का लठ लेकर सर फोड़ रहा है और लड़ाई में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और लड़ाई दुनिया के सामने हो रही है और आप कह रहे हैं परिवार है, बड़ा परिवार है। दूसरे लोग, बाहरी लोग दो भाइयों को लड़ाते हैं ना त्रिशूल जी। बाहरी लोग कौन? बीजेपी है। आप तो नाम लो सीधा, ये बैठे हैं शाम जहां, देंगे जवाब।
वही मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में शायद पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे, मानता हूँ मैं उनकी नाराजगी होगी, उनको मन में कुछ लगा होगा, कहीं कुछ दिल में खटास आई होगी उनके ऊपर, तो पार्टी उनको आने वाले दिन में कुछ ना कुछ जवाबदारी देगी। और रही बात वो उनके पत्र की, तो उस पत्र में उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मैं पूरी तरह से पार्टी छोड़ रहा हूँ या पार्टी के खिलाफ जाऊंगा या मैं विरोध में कैंपेन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने सम्मान पूर्वक लिखा है मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, प्रचार के साथ में रहूंगा, राज्य के प्रचार में पूरा जोर मेरा। नहीं, नहीं, एक बात बताइए आप मुझे, भरत जी सुनिए भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास। श्याम जी एक बात बताइए, जब बीमार ये कह दे डॉक्टर से कि साहब मुझे ठंड लग के बुखार आ रहा है, बहुत जोर से ठंड लग रही है, फिर भी क्या बीमार से वो पूछेगा डॉक्टर कि भाई तुम्हें खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है या तुम्हें सर दर्द है? ये तो पता चल गया ना, ठंड लग के बुखार आ रहा है तो बीमारी क्या हो रखी होगी, यही कहेगा ना टेस्ट करवा लो, अपना जाँच करवा लो, मलेरिया वलेरिया तो नहीं है, डेंगू वेंगू तो नहीं है, हैं? अब ये कह रहे हैं पत्र में कुछ लिखा नहीं है, जैसे उन्हें क्या लिख देना चाहिए था पत्र में? चंद्रशेखर जी, एक बचपन में सुनते थे कि हाँ भैया क्या हाल है, किसी ने पूछा तो बोले झोंपड़ी में आग लग गई बाकी सब ठीक है, भैंस भी मारे बाकी सब ठीक है। वो आपने बीजेपी के पास देखिए, आप बीजेपी के पास ये दवा है, आपके हर मर्ज की जो लिस्ट है बीजेपी पर देखिए, इन्हें कितनी जल्दी बताया है, कितने अच्छे से बताया है, झोंपड़ी में आग लग गई बाकी सब ठीक है, भैंस बीमार है बाकी सब ठीक है, खेत की फसल जल गई बाकी सब ठीक है, गांव में बाढ़ आ गई बाकी सब ठीक है। भाई आप ऐसे ना कीजिए, ऐसे कर करके कांग्रेस को निपटा दिया आपने भरत जी, सही सलाह देना सीख लीजिए बाहर भी और भीतर भी। शेखर जी, भाजपा में अंत्योदय एक योजना चल रही है, आखिरी व्यक्ति तक जब तक भाजपा पहुंच नहीं जाएगी उसको, इस देश के नागरिक को आखिरी व्यक्ति से लाभ नहीं पहुंचेगा इस देश का नागरिक होने के नाते। इसी तरह कांग्रेस में ही अंत्योदय योजना चल रही है कि जब तक आखिरी व्यक्ति कांग्रेस से निकल नहीं जाएगा तब तक ये सांस नहीं लेगी, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे, चैन से रोटी नहीं खाएंगे, चैन की नींद नहीं लेंगे। आशुतोष जी, क्या ये जो बदलाव है, ये जो तमाम चर्चाएं हैं, इन पर बड़ा निर्णय नहीं आएगा, ये यथावत रहेंगी चर्चाएं कांग्रेस को लेकर जो है? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जिसका कैप्टन जो आखिरी व्यक्ति होगा जो समुद्र में छलांग लगाएगा। कांग्रेस पार्टी अपने अंतिम उसका इंतजार कर रही है। अच्छा ये हो कि आपस में बैठ के चिंतन मनन किया जाए, आपस में पार्टी के सदस्यों से बातचीत की जाए और शीर्ष स्थल पर अगर बदलाव चाहते हैं तो उस बदलाव लाया जाए। मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में बनी रहे और अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए उनको काफी संघर्ष काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। पार्टी के सदस्य दिन पे दिन छोड़ के जा रहे हैं और पार्टी के सदस्यों में बहुत निराशा है। आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ सदस्य जिसको इंदिरा गांधी ने स्वयं राज्यसभा में नॉमिनेट करके भेजा, उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय कांग्रेस पार्टी को लगाया और आज वो बड़े निराश और हताश नजर आ रहे हैं। ऐसे ही मैंने और कुछ अन्य नेताओं को भी देखा जो धीरे धीरे कर करके छोड़ करके जा रहे हैं। कुछ लोगों ने ओपनली कहा भी है कि हम शीर्ष उसपे स्थल पे बदलाव चाहते हैं, लेकिन नेता जो है वो कुर्सी से इतने चिपक करके बैठे हैं कि वो सत्ता को छोड़ने नहीं चाहते। अभी जैसे आपने कहा कांग्रेस पार्टी आनंद शर्मा को क्या बड़ा पद दे सकती है? आप बताइए आशुतोष जी, मैं ये बड़ा ये जो भरत जी ने कहा ना, इसका एक बार आप पोस्टमार्टम कर दीजिए, आनंद शर्मा को क्या बड़ा पद मिलेगा आप बताइए जरा? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। देखिए कैबिनेट में कोई मिनिस्ट्री उसको मिल नहीं सकती और कांग्रेस के अध्यक्ष से बड़ा कोई पद है नहीं पार्टी में, तो आप उनको क्या क्या देना चाह रहे हैं? किस चीज में आप ये सोच रहे हैं कि हमको उसको आने वाले समय में एक अच्छा पद दे दिया जाएगा? मैं समझता नहीं कि कांग्रेस पार्टी में क्या पद है। अगर सत्ता दल में होते जरूर उनको कोई अच्छा कैबिनेट दिया जा सकता था, मंत्री पद पे उनको आसीन किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस उसमें आप क्या प्रभारी किस चीज का पद देना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। ये थोड़ा सा मुझे ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अगर अच्छी तरह से बताएं तो हम सब लोगों के लिए बड़ा ज्ञान वर्धन होगा। ये आनंद शर्मा को जो सोनिया गांधी ने नजरअंदाज किया उससे ज्यादा आहत कर देने वाला बयान भरत प्रजापति का पूरे देश में होगा कि आनंद शर्मा को बड़ा पद पूरे
140 करोड़ लोगों के ऊपर दिल पे क्या तुषारपात हो रहा है, मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूँ कि प्रजापति जैसे सशक्त व्यक्ति आपके चैनल के माध्यम से इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि उनको इतना महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, बड़े आश्चर्य की बात है। आनंद जी, ये बयान तो वापस लेना चाहिए आपको। भरत जी, आनंद जी के बारे में बयान आपको वापस लेना चाहिए, इस तरह का बयान। बाकी देख लीजिए, आप देना है आपको, अलग करना है तो उन्हें। 140 करोड़ लोगों की भावना का प्रश्न है। मैंने कहा पार्टी उनको कोई बड़ी जवाबदारी दे सकती है, तो उसमें बड़ी जवाबदारी बहुत सारी होती है, ऐसा थोड़ी है। थोड़ा उल्टा बता दीजिए, क्या बड़ी जिम्मेवारी होगी जो हमको भी पता लग जाए। अरे भाई, बहुत सारी चीजें होती है, आप राजनीतिक विश्लेषक है, अभी आपको नहीं पता तो मैं कैसे बता। उदाहरण के स्वरूप बता दीजिए क्या। अरे बहुत सारी चीजें होती है, अभी आप सिर्फ एक ही चीज देख रहे हो कि पार्टी सत्ता में रहेगी। गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, आप बता दीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अच्छा चलिए, आप सुनिए, आप सुनिए सुनिए भाई, तीन ऑप्शन बता दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरा बताइए, और फंस गए आप, बता दीजिए एक दो, बता दीजिए दिल खोल के। यूएन में सेक्रेटरी जनरल, देखिए यूएन में सेक्रेटरी जनरल, सुनिए, अरे क्या बात है, हमारे पार्टी का आपको पता है, पता है इस समय क्या करना चाहिए भाई, सुनिए सुनिए भारत जी, क्या करना चाहिए इस समय आपको, सबको मिलके मरहम पट्टी करनी चाहिए पार्टी की। सोनिया गांधी ने कहा कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, लोन चुकाने की बात नहीं कही थी, कर्ज चुकाने की बात कही थी पार्टी के प्रदेश सदस्यों का, समझ रहे हैं आप बात को आशुतोष जी, बयान नहीं है, मौन धारण करना बहुत कुछ कह रहा है, समझ सब कुछ रहे हैं, मौन धारण करना बहुत कुछ कह रहा है। हाँ जी आशुतोष जी, मरहम पट्टी करने की जी, क्या लगता है कि गैर गांधी अध्यक्ष की जो मांग है उसको पुरजोर करने के लिए आनंद शर्मा का, गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा आया है, और शायद अगर ये मांग को नहीं समझा तो कांग्रेस एक बड़े संक्रमण की ओर अग्रसर होगी। नहीं त्रिशूल जी, देखिए सच्चाई, चंद्रशेखर जी सच्चाई से इंकार नहीं करना चाहिए कि जनता जो कांग्रेस के सदस्य शीर्ष नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं, ये बहुत एक समय की डिमांड है, समय की मांग है कि इस समय गांधी परिवार कुछ समय के लिए अपने को इससे शीर्ष पद से अलग होकर के देख ले, तो शायद कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व सत्ता में बना रह सकता है, कि अस्तित्व विरोधी पक्ष के रूप में बने रह सकते हैं, नहीं तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक दूर तो वो जहाज है जिसका कप्तान जो है सबसे आखिर में कूदने की तैयारी में है, बाकी एक एक करके यात्री समुद्र में सेफ्टी जैकेट लेकर के उतर रहे हैं। भारत जी पूरे देश में कहीं भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, बीजेपी भी नहीं चाहती, अक्सर बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस खत्म नहीं होनी चाहिए, विपक्ष के रूप में रहनी चाहिए, विपक्ष मतलब कांग्रेस रहनी चाहिए, मजबूत विपक्ष रहना चाहिए, कई बार कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी जी, भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें एक सशक्त विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है, ये बीजेपी ही नहीं कहती, भारत की जनता भी चाहती है कि एक हमें सशक्त विपक्ष होना चाहिए जिससे कोई सत्ता दल में पार्टी है अपने को सारा सारा का सारा अपने हिसाब से कार्य न करे, जो देश हित में है सभी को सोच समझ के काम किया जाए, विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में। अब कहिए भरत जी, क्या ये जो मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है, क्या इस पे कुछ होगा? त्रिशूल जी, इसमें मांग जो चल रही है वो होगा ना, उसमें क्यों नहीं होगा, ऐसा ऐसा नहीं है कि हर कोई, अरे आप बता दो दीजिए क्या क्या करेंगे, आप कुछ तो बताइए जनता को, कुछ तो पता लगे कि आप क्या करने जा रहे हैं। जनता को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज के दिन में राहुल गांधी से लोकप्रिय नेता कोई नहीं है, अगर ये बीजेपी के लिए हो सकता है, ये आपके लिए हो सकता है, ठीक है, पार्टी डिसाइड करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, गांधी परिवार से हो। देखिए हमने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, आप ले रहे हैं, अब सुन तो लीजिए भाई, अब सुन लीजिए, अब आपके बीच में हम नहीं बोला, सुन, अब बीजेपी का यही तो काम रहा है, तीन तीन ट्रिपल पी पे काम करना, पार्टी तोड़ो,
नहीं माने तो पैसे का उपयोग करो, और उससे भी नहीं माने तो पी से पावर का उपयोग करो, सीबीआई ईडी लगा दो। आज के दिनों में क्या चल रहा है पूरा देश देख रहा है। अरे भाई आनंद शर्मा को थोड़ी तोड़ा है कांग्रेस से, तोड़ने के लिए ईडी लगा दी है। कैसी बात कर रहे हैं आप भरत जी? सुनिए विशुल जी, अभी आप ही सुनी नहीं रहे, अब बीच बीच में आप पुकार रहे। आप पटरी पे रह करके बात कीजिए, रेल की पट्टी पे चलिए, जो टॉपिक है उसी पे विषय पे बात कीजिए। टॉपिक पे ही है ना भाई। अच्छा अच्छा बताइए ना, बताइए ना, आप 21 राज्यों में सीबीआई की जांच कैसे चल रही थी? चलिए आपके पास जवाब है, जो विश्लेषक मैं ये कह रहा हूँ भाई, सुनिए बताइए ना। नहीं, अरे भाई सुनिए, सुनिए आप, सुनिए आपने बात, अरे आप सुनिए भाई, आनंद शर्मा ने ईडी के डर से छोड़ी है कांग्रेस, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं तो मैंने वो उस विषय को आप जोड़ रहे हो। मैंने कब कहा कि ऐसा हुआ? मैंने तो ये कहा कि पार्टी उनको कोई दूसरी जवाबदारी दे सकती है। मैंने क्या कहा है कि उनको पीछेड़ी लग, आज 21 राज्यों में चल रही है क्या नहीं चल रही है जांच? आज महाराष्ट्र की हालत क्या हुई आपको पता है कि नहीं पता? कर्नाटक में क्या किया पता है कि नहीं पता? त्रिशूल जी देखिए, ये बीजेपी के हाल भी कुछ दिनों में थे, 2011-12 में चले जाएंगे तो इनके पास कितना 200 करोड़ भी चंदा नहीं जमा होता था, आज 5 करोड़ रुपया से चंदा इनके पास जमा होता है। कहां से आता है वो? आज देश इनसे पूछेगा जवाब देंगे क्या? आज विपक्ष की बात करते हो, पूरे देश में कांग्रेस है, पूरे देश में कांग्रेस का संगठन है। ये बात पूछा नहीं कि हम ये चंदा, ये चंदा, ये सूरज, ये तारे, ये ऐसा नहीं है। आज हमारे भी दिन आएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में यही एक हिटलर शाही राज होगा। ये दो लोगों की सरकार बन गई बीजेपी पार्टी, या दो लोगों की पार्टी बन के रह गई है, दो ही लोग चला रहे हैं इसको। आप मानिए, ये हवा चल पड़ी है, लोग सिर्फ भारत देश में लोग इसी हवा का समर्थन कर रहे हैं, न कि दो लोगों का समर्थन कर रहे हैं त्रिशूल जी। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी आज भी सक्षम है महंगाई के मुद्दे पे आज जोर शोर से अगर कोई आवाज उठा रहा है, लोगों के रोजगार पे आवाज उठा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी उठा रही। आज विपक्ष को दबाया जा रहा है, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने का बयान इनके अध्यक्ष देते हैं बिहार के अंदर। क्या बात करते हो त्रिशूल जी? ये आनंद शर्मा जी ने अगर कुछ इस तरह से पत्र व्यवहार किया है हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से, तो उसमें विचार विमर्श पार्टी करेगी। बताइए भाई, उन्होंने अभी तक कोई श्याम जी इतने आरोप लगा दिए, उन्होंने जवाब दे दीजिए। अब श्याम जी से जवाब ले लेते हैं। आवाज नहीं आ रही इनकी। श्याम जी अब जवाब दे दीजिए, इन्होंने इतने सारे आरोप लगा दिए पार्टी तोड़ने का, आप काम कर रहे हैं, पार्टी को मिटा रहे हैं, पार्टी के लिए सब कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये समझ नहीं आता चंद्रशेखर जी, जो पार्टी केवल और केवल एक परिवार की धुरी के अलावा बाहर कुछ सोच नहीं पाती, उस पार्टी का तो यही होना था। और आज भी जिस प्रकार से आपने देखा, कुछ दिन पहले एक राहुल गांधी को बचाने के लिए 50 सांसद देश से इकट्ठा हो गए दिल्ली में, राहुल गांधी को की जांच नहीं होनी चाहिए उस बात को लेकर के। क्योंकि पार्टी को बचाने के लिए 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं इनके सांसद? कभी पूरे आप इनके जिस प्रकार से वरिष्ठ लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा, पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, जो G26 के मेंबर रहे आनंद शर्मा जी, कपिल सिब्बल जी रहे हुए हैं, गुलाम नबी रहे हुए हैं, ये लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और इन लोग की तो बिल्कुल कपिल परवाह नहीं होता है, आधे प्रचारक जा रहे हैं। क्या आनंद शर्मा जी अभी ये अगर ये सुन रहे होंगे, आपकी डिबेट देख रहे होंगे, क्या गुजरती होगी उनसे, क्या वो दिखाऊ दिखा देना चाहते हैं? क्या आनंद शर्मा जी दिखाऊ है, राम नबी जी दिखाऊ है, कपिल सिब्बल जी दिखाऊ है, इस प्रकार की बात करते हैं? क्या इनके कांग्रेस के नेता दिखाऊ है, ये ऐसा ही मानते हैं, ऐसा ही देना चाहते हैं कि कोई खरीद लेता है? क्या बाजार में बैठे हैं ये लोग, भाव लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है इन लोगों का, किस प्रकार की बात करते हैं ये? इसका मतलब ये लोग जो स्वीकार करते हैं, ये लोग दिखाऊ है। बोलिए भरत जी। देखिए इनके 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 जबान से ही निकल गया बिकाऊ है। मैंने जबकि उस शब्द का उपयोग ही नहीं किया है, मतलब ये तय कर लिया कि आज हम लोग खरीद रहे हैं, ये उन्होंने मान लिया है। देखिए मैंने कभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के बारे में अपमानजनक शब्द नहीं कहे, मैंने ये नहीं कहा कि वो बिक गए हैं, और आप देश में चल रहा है उसी की बात की है। आप अगर आपको मैं गिना दू आपको मैं गिना दूं आपके पार्टी के कारनामे तो आप गिनते रह जाएंगे, आप गिनते रह जाएंगे। आज आप बोल नहीं पाएंगे। आज अगर अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो
जो अनुशासन है उस चीज को आप नहीं समझ पाएंगे। आपके पार्टी के अंदर जिस तरह से तानाशाही है वो आप ही जानते हैं। एक ही दो ही आदमी की भक्ति चल रही है वहां पर। कांग्रेस पार्टी के अंदर जनहित की बात है। ठीक है भरत जी, मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भरत जी, कौन बिकाऊ है कौन खरीदार है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि गैर गांधी अध्यक्ष को लेकर लगातार कांग्रेस में मांग पुरजोर होती जा रही है, और शायद आनंद शर्मा ने भी इसी बात को पुरजोर करने के लिए अपना ये इस्तीफा दिया है कैंपेन कमेटी से। क्या आपको लगता है कि जो G23 है, अभी संकट के समय में जब ईडी के सामने सोनिया गांधी राहुल गांधी की पेशी हुई थी, तब ये G23 के कई लोग खड़े हुए थे आकर, तो क्या लगता है कि उनको सुना जाएगा, या जो बात बदलाव की कही जा रही है वो होगी, या कांग्रेस जैसे चल रही है वैसे ही चलने वाली है? बदलाव ही है, और कहीं ना कहीं सब चेंज हो ही रहा है पार्टी के अंदर, और पार्टी को कहीं ना कहीं जो चीजें अच्छी जनता के लिए देश के लिए वो हो रही है वो सब किया जा रहा है, और आने वाले दिन में पार्टी का ऊपरी नेतृत्व तय करेगा। और इसमें अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने तो खुद ही कह दिया था बीच में कि मुझे अध्यक्ष पद में कोई वो इंटरेस्ट नहीं है, तो आने वाले दिन में हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ऐसा उसने वो चीज को लेकर चलना कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बनेगा या नहीं बनेगा, बाहरी बनेगा, ये कोई सवाल थोड़ी ना होता है। देश के हित में जो काम होगा वो चीज सोचना चाहिए। अध्यक्ष जो बनेगा वो पार्टी के हित के लिए ही बनेगा, कोई भी बने, किसी को ऐतराज नहीं। आशुतोष जी, कांग्रेस पार्टी में आशुतोष जी देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये कोई सवाल नहीं है। भरत प्रजापति ने साफ कहा, ये कोई सवाल नहीं है कि परिवार गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष होगा या नहीं होगा, ये कोई सवाल नहीं, समझ लीजिए आप। सवाल क्या है भरत प्रजापति जी, मुझे ये बता दीजिए, आज जो आनंद शर्मा छोड़ के गए, कपिल सिब्बल छोड़ के गए, और वरिष्ठ नेता धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ के गए हैं, अभी कुछ समय पूर्व 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसका कि प्रियंका गांधी ने नेतृत्व किया, और 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, और जो जो प्रभारी बनाए गए थे उन सबसे इस्तीफा लिया गया। 5 राज्यों के कांग्रेस के प्रभारियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। क्या ये जिम्मेवारी प्रियंका गांधी की नहीं थी कि जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़े गए उन 5 राज्यों में पार्टी ने बुरी तरह शिकस्त का सामना करा? उनको नेतृत्व की दायित्व नहीं लेना चाहिए था कि उनकी उन्हीं की देखरेख में ये 5 इलेक्शन हारे हमने? और ये बहुत बड़ी सीख थी कांग्रेस पार्टी के लिए, उनको अपना इंट्रोस्पेक्ट चिंतन मनन करना चाहिए था, और पार्टी के हित में क्या है, क्या सबसे अच्छा है, क्या परिवारवाद को बढ़ा करके ही वो पार्टी को उठा सकते हैं? अगर जनता आपके सदस्य खुद स्वयं पब्लिक पे आकर के बोल रहे हैं कि हम शीर्ष स्थल पर नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं, क्या उस बदलाव को नहीं लाना चाहिए पार्टी के हित में? अगर हम पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक ढांचे के उस हित में काम कर रहे हैं, तो जो जनता चाहती है क्या हमें जनता की मांग को नहीं सुनना चाहिए? आप इस पे चिंतन मनन करके सोचिए, एक बार थोड़े समय के लिए कुर्सी से अलग होकर के देखिए, किसी दूसरे को नेतृत्व सौंपिए, शायद कांग्रेस पार्टी जो एक डूबता हुआ जहाज है, कुछ उसमें बदलाव आ सके और स्थिति में कुछ सुधार आ सके।
लेकिन जब जनता इतना ओपनली आपसे कह रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य आपसे बोल रहे हैं, जनता कह रही है, और कहां कांग्रेस पार्टी ने कितना अच्छा समय राज करा, भारत सरकार का नेतृत्व किया, शासन करा, और धीरे 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 कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को खत्म करता होता हुआ देख रही है। 135 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसका अंग्रेजी शासन काल में स्थापना की गई थी और अपने को बिल्कुल लुप्त होता हुआ देख रही है, आप इससे बुरा क्या देखना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए, जैसा अभी आप कह रहे थे पिछले कुछ मिनट पहले कह रहे थे कि हम शीर्ष सदस्यों को कुछ अच्छा पद पे उनको बैठा देंगे, कांग्रेस पार्टी में कौन सा पद है जो मतलब कांग्रेस अध्यक्ष से बड़ा पद है जो आप उनको दे सकते हैं? सिर्फ टू द पॉइंट सीधी एक बात का जवाब दीजिए, किस पद पे आप उनको मनोनीत कर सकते हैं? और जब सदस्य खुलकर के आपसे बोल रहे हैं, आप देखिए कहां 400 प्लस की स्ट्रेंथ होती थी लोकसभा में आपकी, और 400 से करते 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 10% आप लोकसभा की उस पर आ गए हैं, और वो भी दिन पे दिन गिरता जा रहा है। तो आप थोड़ा इस पे सोच के कुछ बताइए जनता को। 135-140 करोड़ की आबादी, वो बड़ा ध्यान से आपके वक्तव्य को सुन रही है कि क्या पद पे आप दे करके नेतृत्व में बदलाव लाएंगे? भारत जी देखिए त्रिशूल जी, सबसे 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 पहली चीज तो ना, ये इस तरह का जो मार्केटिंग या विश्लेषण हो रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है, तो सबसे घुमाने की नहीं है, बात सीधा टू द पॉइंट कीजिए कि क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप पार्टी में। अब सुन लीजिए, किसको लाना चाहते हैं? जनता नहीं चाहती कि गांधी परिवार रहे शीर्ष स्थल पे, आप किसको बदलना चाहते हैं? ये टू द पॉइंट जवाब दीजिए। सुन लीजिए एक बार आशुतोष जी, ऐसे लेंदी डिस्कशन चलते रहेंगे घंटों तक। आशुतोष जी सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए जी जी, जी। देखिए इस तरह का कांग्रेस पार्टी के बारे में कैंपेन करना, प्रचार करना, लोगों को गलत चीजें बताना, कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है, तो कृपया करके हाथ जोड़ के कहूंगा इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करिए। कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में संगठन है, ठीक है कुछ कम है कुछ ज्यादा, और कुछ मैं खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से त्रिशूल जी कहता हूँ, कुछ नेताओं के जाने से कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होती है। आप बात कर रहे थे कपिल सिब्बल जी की, आज वो उस उम्र के पड़ाव में खड़े हैं, शायद उनको लगा होगा कि मेरी राजनीति अब लास्ट के 5-10 साल बची है, उनको लग रहा होगा कांग्रेस पार्टी के यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, गए होंगे अपने स्वार्थ के लिए, उसमें उसका मैं उचित नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास और अभी का पाठ आप देख लीजिएगा, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संगठन है, पूरे देश में युवा कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, आप बताइए पूरा संगठन ढांचे के साथ बना। वो बात अलग है कि हम कुछ आंकड़ों में, गणित के आंकड़ों में पीछे रह जाते हैं। अभी आपने कहा कि आपके हरेक राज्यों के जो कैंपेन प्रचार समिति के लोग थे उनसे इस्तीफा लिया नहीं है, वहां के काफी जो लोग थे जैसे लल्लू प्रसाद जो उत्तर प्रदेश से थे, तो लल्लू यादव जी, तो वो खुद सामने से आकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, वैसा किसी ने कांग्रेस पार्टी ने माना नहीं है, और आज भी वो कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी जमीन पर लड़ाई लड़ रही है। आपको ये आह्वान करना चाहिए कि लोगों को कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए, आज जिस तरह से देश में तानाशाही चल रही है लोगों को सामने आना चाहिए, लोगों को आपको ये बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के 2014 के वीडियो देखो और अभी के वीडियो देखो, जो बात बोलते थे महंगाई मुद्दा नहीं है, आज उस मुद्दे को वो दरकिनार कर रहे हैं, वो बोलते सारे आम चुनाव से बोलते थे मैं ये दूंगा, आज उस शब्द को रेवड़ी शब्द यूज कर रहे हैं, आज उस शब्द को बेवड़ी शब्द से यूज कर रहे हैं। ये आप जैसे स्वविचारक और अच्छे लोगों को सामने आकर ये चीज बोलना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के बारे में इस तरह का प्रचार नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस डूबता जहाज है। ये किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं आप? कांग्रेस डूबता जहाज नहीं है, कांग्रेस पूरा तैरता जहाज है। वो ठीक है, वो अलग बात है कि किनारे तक नहीं आ पा रहा, और आने वाले दिनों में आएगा, सत्ता में हम भी आएंगे। बहुत जोरदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जावाज, जहाज में बहुत क्रांतिकारी छेद हो गया, उस छेद को तो भर दीजिए, बहुत क्रांतिकारी। लेकिन एक बात बताइए भरत जी, अगर बदलाव की मांग पुरजोर तरीके से और चारों दिशाओं से उठ रही हो तो क्या उस पर विचार करना जायज नहीं लगता आपको? त्रिशूल जी, पार्टी उसी पे अब पूरा काम कर रही है, विचार कर रही है, एक ही झटके में सब चीज नहीं हो जाती है, उसी पे विचार विमर्श चल रहा है, और बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा नेतृत्व आ जाएगा या अच्छा कोई बदलाव आएगा। श्याम जी, और आज भी कार्य, श्याम जी श्याम जी, श्याम झा जी, श्याम झा जी, सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये घड़ा फूट रहा है,
बड़ा मुश्किल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या भरत जी को भी लगता है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए कोई? ऐसा भरत जी बोल सकते हैं क्या सार्वजनिक रूप से? ये बोलते हैं अभी की जनता को ये बोलिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप जनता जो बोल रही है कि कांग्रेस में राष्ट्राध्यक्ष बदलना चाहिए, गांधी परिवार के अलावा दूसरा होना चाहिए, क्या आप सुन रहे हैं उनकी? जनता की आप सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, जनता केवल आपकी सुनती रहे। 70 साल सुने जनता ने आपकी। आज जनता बोल रही है कि आप गांधी परिवार के अलावा किसी और को राष्ट्राध्यक्ष बनाइए, आप बदलिए। आप बोल सकते हैं अभी यहाँ पे कि गांधी परिवार के अलावा कोई राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए? कौन पार्टी में एक नेता बता दीजिए कांग्रेस पार्टी में जो ये बोलने की कुवत रखता हो कि राष्ट्राध्यक्ष गांधी परिवार के अलावा बनाया जाना चाहिए। इस्तीफा दे के चले जाएंगे लेकिन ये बोलने की कुवत किसी में नहीं है कि राष्ट्राध्यक्ष गांधी परिवार के अलावा बने। आशुतोष जी, आशुतोष जी, ये हिम्मत नहीं पैदा हो पा रही वाकई में। श्याम झा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये हिम्मत नहीं पैदा हो पा रही है और शायद यही कारण है कि नुकसान और संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी चिंतन मनन करने पर मजबूर है लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इतने समय से कुर्सी से चिपक करके रहे और कुछ छोड़ने का मोह कुर्सी छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको कुर्सी से लिप्त रहे हैं अभी तक, सत्ता से बाहर होकर उनको विभिन्न किस्म के डर भी सता रहे हैं कि विभिन्न किस्म की उनके ऊपर जांच चल रही है, पार्टी अध्यक्ष के ऊपर अलग अलग केसों में फंसे हुए हैं। अगर ये छोड़ दिया तो उनको ये भी डर सता रहा है कि कल को हमको जेल भी जाना पड़ सकता है। जनता की आवाज को, पार्टी के सदस्यों की आवाज को निरंतर दबाया जा रहा है। मुझे याद है कुछ समय पहले, अभी 6-7 महीने पहले उत्तर प्रदेश में अन्य 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के बड़े सशक्त नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम इस पे विषय पे विचार करेंगे और पार्टी में बदलाव की आवश्यकता हुई तो बदलाव भी लाया जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा बदलाव लाया जाएगा, गागेगी इस फ्यूचर इज अनसर्टेन, हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा बदलाव लाने में, क्या हम सब कुछ लुटा के होश में आएंगे? पार्टी को बिल्कुल खत्म करने के बाद हम अंतर मनन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे कि अब क्या किया जाए पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए, पार्टी को उठाने के लिए। चिंता का विषय यह है कि काफी समय हो गया, लोग जो शीर्ष स्थान पे बैठे हुए हैं ऊपर पार्टी के नेतृत्व को संभाले हुए पिछले कई दशकों से। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं श्याम जी आपसे। श्याम जी, बदलाव हुए कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी जी कहा राष्ट्राध्यक्ष में बदलाव हुए, देखते देखते मेरे भी बाल सफेद होने लगे और अब तो काफी संख्या हुई सफेद होते हुए बालों की। बदलाव में केवल ये हुआ कि बदलाव हुआ, सोनिया गांधी राष्ट्राध्यक्ष हो गई, सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी राष्ट्राध्यक्ष हो गए, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, सोनिया गांधी राष्ट्राध्यक्ष हो गई। बदलाव के नाम पर केवल यही हुआ है और यही होता रहेगा, इसके अलावा कुछ बदलाव नहीं होना जाना। ये परिवार की पार्टी रूप से रह गई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, ये इस पार्टी का जो संविधान है और पार्टी का जो लोकतंत्र है उसकी पूरी तरह से हत्या कर दी गई है और कोई भी कार्यकर्ता कोई भी नेता बोलने के तैयार नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या मानी की पराकाष्ठा है ये। भरत जी, चंद्रशेखर जी, मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक सशक्त पार्टी के रूप में उभरनी चाहिए, विरोधी पार्टी का होना लोकसभा में बहुत अत्यंत आवश्यक है कि एक सशक्त विरोध दल भी होना चाहिए जिससे कोई भी सत्ता दल अपनी मनमानी ना कर सके। और अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है तो उनको इसमें शीघ्र बदलाव लाने चाहिए भरत जी, क्योंकि देश हित में है, पार्टी के हित में, जनहित में। भरत जी क्या कहेंगे, तमाम बहुत सारी बातें निकल के सामने आई है इस संवाद में, क्या कहेंगे? सारी बातें, सारे संवाद, सारी चर्चाएं निर्मूल है। अच्छा श्याम जी कह रहे हैं, बोल दीजिए ना एक बार बोल दीजिए कि पार्टी परिवार के अलावा राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए, जरूरी है। मैंने क्या कहा, पार्टी इसमें तय करेगी और हमारे कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसा है ही नहीं क्या गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बने? अगर लोगों का और हमारे सभी नेताओं का प्यार अगर हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर है तो हम क्या करेंगे? वो पार्टी तय करती है और पार्टी ने ये भी कहा है कि अगर बाहर का भी कोई बनता है, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, सोनिया गांधी जी भी कह रही है, अगर कोई आता है दूसरा वो भी बन सकता है, ऐसा थोड़ी है। आप अगर उस तरह को आपने जोड़ा
ये 2014 से आपने कैंपेन चलाया है ये गांधी परिवार गांधी परिवार। क्या बीजेपी में परिवार नहीं है? कोई कोई परिवार के नेता नहीं है? राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह नहीं है? आप मैं अभी आपको डजनों नाम गिना दूंगा। आप ऐसी बात न करिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर विचारधारा के ऊपर चलने वाली पार्टी है और वो सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से त्रिशूल जी कह रहा हूँ, यहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी अध्यक्ष बने, सशक्त बने और देश के नेतृत्व के लिए काम करे। ये मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है पार्टी के अंदर या किसी का ऐसा कि कोई यही पर्टिकुलर अध्यक्ष बने। तो आप इस तरह से बीजेपी ने फैलाया हुआ है परिवारवाद परिवार, खास करके मैं नाम लेके कह रहा हूँ, पूरे दिन भाषण में जब भी हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, ये इन्होंने लोगों के कान में डाला हुआ है। बाकी ऐसा 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 कुछ है ही नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री इनकार करते हैं कि परिवारवाद नहीं है कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में कितने, अगर मैं गिना दूं बीजेपी में तो कितने परिवारवाद निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, देश की सेवा के लिए जो काम करे वो बने। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी, वो काम होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अध्यक्ष के लिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर बन सकता है। और वो जल्द ही जल्द आपको डिक्लेयर किया जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से भी पता चल जाएगा। थोड़ा समय निश्चित कर दीजिए, कब तक वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी में से कोई एक होंगे। समय भी निश्चित कर दीजिए, कब तक डिक्लेयर कर देंगे। देखिए वो सब चीज मेरे पास नहीं होती है, मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, वो ऊपरी नेतृत्व तय करेगा। नहीं, अच्छा ये तो बता दीजिए भाई, ये तो बता दीजिए कि भाई तीसरा नाम भी हो सकता है राहुल गांधी सोनिया गांधी के अलावा। भरत जी, कांग्रेस पार्टी में सशक्त नेताओं की कमी थोड़ी है। कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे श्याम झा, कुछ सवाल पूछ। भरत जी अब चार नए जो राष्ट्र अध्यक्ष के योग्य हैं उनके साबित हो सकते हैं, ऐसे क्या नाम आप बता दीजिए। ये हमारी पार्टी के चार योग्य व्यक्ति हैं जो राष्ट्र अध्यक्ष बनने के योग्य हैं और संभावना है इन चारों में से किसी का बनाया जाना चाहिए। भरत जी, त्रिशूल जी, जरा श्याम भाई का सवाल बोल देंगे। सवाल ये है, श्याम झा जी ये कह रहे हैं कि मुझे कृपया करके उन चार व्यक्तियों के नाम बता दिए जाएं जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कतार में हैं। कतार में नहीं बोल सकता हूँ मैं, सक्षम है कांग्रेस सक्षम। चलिए भाई, कांग्रेस पार्टी ने चलिए भाई ठीक है, सक्षम है। सक्षम के नाम बता दीजिए। चलिए सक्षम, त्रिशूल जी कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे दर्जनों नेता है जो सक्षम है। अरे भाई, दर्जन को किसने कहा, हम चार मांग रहे हैं, आप दर्जन कह रहे हैं, केवल चार नाम। कमाल करते हैं भरत जी। अरे हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, सचिन पायलट है, अशोक गहलोत जी है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, ऐसे कितने नाम मैं गिना। अध्यक्ष बनने के लिए सब काबिल है, लेकिन वो पार्टी तय करेगी किसको बनना है, क्या बनना है। देखिए भाई, ऐसा नहीं है। देखिए बोल तो दिया है। मैं पूछूं कि बीजेपी का चेहरा 2024 में एज अ प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, श्याम जी बोलेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है, ये पार्टी तय करेगी। आपने आपकी पार्टी का रूल क्या था, 75 साल के बाद किसी को पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में डालेंगे। आपने आपने येदुरप्पा को क्यों लिया, 80 साल की उम्र में येदुरप्पा को क्यों लिया आपने? इसी उम्र के वजह से आपने मुरली मनोहर जोशी को बाहर का रास्ता दिखाया था, मार्गदर्शन मंडल में डाला था। अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाला था उम्र की वजह से, तो आपने वो चीज बदल डाली ना। अभी येदुरप्पा को आपने एंट्री दे दी 80 साल की उम्र में संसदीय बोर्ड में, तो वहां क्यों नहीं दिया? आप देखिए, आपकी पार्टी का जो रूल है हम कभी उस पर सवाल नहीं करते कि आपके पार्टी में क्या चल रहा है, आप क्या डिसीजन ले रहे हो। तो हमारा ऊपरी नेतृत्व ऐसा डिसाइड करेगा किसको क्या बनाना है, क्या करना है। आशुतोष जी, जवाब तो दे दिया जी। जवाब दे दिया। मैं तो सिर्फ इनसे एक ही प्रश्न पूछूं त्रिशूल जी कि एक समय की सीमा भी निश्चित कर दीजिए कि कब तक बदलाव आ जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न, भाई देखिए इतने सारे सवाल ना पूछिए आप भरत प्रजापति जी को। बिल्कुल मैं कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं कर रहा, ज्यादा जवाब नहीं मांग रहा, एक बता दीजिए कब तक बदलाव आने की उम्मीद है। मैं कोई पार्टी का बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और मैं हर चीज नहीं है, बहुत 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 कारगर कार्य करता है सर। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ,
तो मैं हर चीज का जवाब उस तरह से नहीं दे सकता। जनता आपसे केवल ये अपेक्षा रखती है कि आप ये बताएं कि कार्य नहीं। नहीं भाई देखिए आप एकदम ना ये कहिए आशुतोष जी श्याम जी सारे सवाल उनसे मत पूछिए, मैं भी सवाल पूछूं सवाल वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि वाकई में हर तीर उनकी तरफ क्यों है श्याम जी ये बताइए, हर तीर उनकी तरफ क्यों है? आप बिल्कुल ना पूछिए भाई, भरत प्रजापति से कुछ सवाल ना पूछिए आपको पूछा अब ये आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं सवाल हमसे पूछ रहे हैं, चलिए पूछ लीजिए आप। उन्होंने जो नाम बताया उनमें अशोक गहलोत जी का नाम लिया जो कि मना कर चुके हैं कि मैं राष्ट्राध्यक्ष बनना है कतई उसमें नहीं हूँ, मुझे राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनना। एक नाम लिया जिसको क्या हमारे यहाँ पे राजस्थान में बोला जाता नालायक और निकम्मा, जो उनका भी नाम लिया था, क्या नालायक और निकम्मा को भी राष्ट्राध्यक्ष की गिनती में लेना चाहते हैं? और उसके अलावा दो नहीं, इस तरह का अगर आप कोई हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता के बारे में शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो गलत है। ज्योतिराव सिंधिया भी हमारे ही पार्टी के, ये बिल्कुल गलत बात है। श्याम जी ये आपको बयान अपना वापस लेना, ये बयान वापस लेना, ये गलत है। ये चाहे अशोक नहीं नहीं श्याम जी सुनिए भाई श्याम जी ये चाहे अशोक गहलोत बोल ले लेकिन आप नहीं बोल सकते भाई, आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? मेरे शब्द नहीं है। अच्छा ये कह रहे हैं मेरे शब्द नहीं है, अशोक गहलोत के शब्द है। इनकी भावना आहत हो रही है, आप अपने बयान को वापस लीजिए। हाँ नहीं इनकी भावना आहत हो रही है, एकदम सारे तीर आपने इनकी तरफ मोड़ दिए। लेकिन लेकिन आशुतोष जी क्या इनको आज नहीं सोचना चाहिए भाई कि हम इस विषय पर संवाद कर रहे हैं कि कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए एक मजबूत विपक्ष के रूप में ताकि जनता को लगे कि लोकतंत्र बहुत सशक्त है, क्या नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ हम और आप सब जो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक सशक्त पार्टी के रूप में उभर करके आना चाहिए और जो अपने सदस्य छोड़ के जा रहे हैं उनको वापस लाने के लिए क्या अच्छा कार्य है, क्या सदस्य चाहते हैं, उस पे विचार करके शीघ्र से शीघ्र उसको सदस्य को शीर्ष स्थल पे लाना चाहिए। अगर परिवारवाद से हट करके हम किसी व्यक्ति को देखना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में तो उसको लाना चाहिए और उससे पार्टी जो पुनर्जोर अपनी स्थापना पे अपने सदस्यों के उसके कैंपेन पे बढ़ा सकती है और एक सशक्त पार्टी के रूप में उभर करके आ सकती है। अभी जिस तरह से हम इसका ग्राफ देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पिछले 5-7 वर्षों में जहां कांग्रेस पार्टी कहां से कहां आ गई और कहां जा रही है, तो इसको जैसे मैंने शायद यही कहा था कि डूबते वो जहाज है और डूबते हुए जहाज में कप्तान ही है जो बाद में आखिर में समुद्र में छलांग लगाता है, बाकी तो जो इस जहाज पे सवार हैं वो धीरे धीरे समुद्र में सेफ्टी जैकेट पहन के उतरते जा रहे हैं। तो यही स्थिति है जो वरिष्ठ सदस्य कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, सेफ्टी जैकेट से लेकर समुद्र में उतर रहे हैं और कप्तान के उतरने की बारी है। तो मैं कह रहा हूँ इस पे बैठ के चिंतन मनन कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट अगर हम बैठ करके आपस में सोच विचार करते हैं तो शायद हम पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं और पार्टी को एक सशक्त पार्टी कांग्रेस पार्टी को एक सशक्त विरोधी दल के रूप में पार्लियामेंट में हम पेश कर सकते हैं जो कि वर्तमान सरकार को एक अच्छा विरोधी दल के रूप में खड़ी होकर दिखा सकते हैं। लेकिन हम शीर्ष बदलाव नहीं ला रहे हैं, सदस्य छोड़ के जा रहे हैं। देखिए बीजेपी के दो सदस्य थे तो वो कहते थे हम 200 होंगे, आपके तो 2 × 4 44, आपको नहीं है ये तेवर नहीं इख्तियार करना चाहिए कि पूरे पुरजोर तरीके से बता देना चाहिए कि कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस थी और कांग्रेस रहेगी, नहीं बता सकते रहेगी। आप बताने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूँ उसकी रीजन क्या हो रही है। आज जैसे आशुतोष जी बता रहे हैं मैं इनसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, मत करिए चुप हैं वो तो। इस तरह से कभी नहीं, सुनिए अगर मैं कहूँ कि सत्ता में रह के ही कांग्रेस पार्टी को अगर आप देख सकते हो तो गलत है। आज बीजेपी भी उसके पहले अगर देख लो कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो बीजेपी की क्या कंडीशन थी, ऐसा आप उसका आकलन मत लगाइए। और इस शब्दों का मैं तो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह का शब्द का प्रयोग भी काफी गलत हो जाता है और जो जानकार इसके बहुत कम होते हैं उनको अलग लगने लगता है। तो आप डूबता जहाज कांग्रेस पार्टी खत्म,
ये वरिष्ठ वरिष्ठों की बात कर रहे थे, आपकी वरिष्ठ नेता मुझे लगता है आप मेरी बात से आहत हो रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हम एक अच्छी विरोधी दल के रूप में पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं सभी लोग, और विरोधी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए मुझे एक्सप्लेन करिए आप, आपका नेता चले जाने से क्या कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, क्या बताइए ना, कोई संगठन खत्म हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता ना, आप एक वरिष्ठ हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिए, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी का ग्राफ देख रहा हूँ, डिक्लाइन में आप क्या अनुमान लगा सकते, इतना बड़ा देश है, 5-7 साल में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं होता, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बड़ा है, कहीं ना कहीं आप गुजरात के चुनाव देख लीजिए, 10 सीटों पे हम अंतर में रह गए, पढ़ने के बावजूद इतने राज्य में चुनाव हार गए, आप इसकी जिक्र करिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जमीन पर दिख रहा है और है, आप इस तरह के मैसेज दीजिए, ठीक है हम गणित के आंकड़ों में पीछे रह जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा मैं महिला हूं, मैं चुनाव लड़ सकती हूं, 403 सीटों पे कैंडिडेट्स खड़े करे और क्या रिजल्ट आया, ये आपके सामने है, सभी के सामने है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वोट बैंक बढ़ रहा है, मैं लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, सब कुछ कहा, लेकिन क्या चुनाव सामने आया? पंजाब जैसा राज्य जिसपे की आपको दशकों से शासन रहा है, वहां पे एक नई पार्टी जो भर करके आई है, आप पार्टी ने बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दी। देखिए आपको यहाँ आशुतोष जी जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की कैंपेन की आप बात कर रहे हैं, आपने उसमें देखा होगा हर स्टेज पे क्या नरेशन सेट किया गया था, आप देखिए ना, आप उसको याद करिए ना, अब किसी का घर बुलडोजर से गिरा दिया था। आप बता दीजिए, आपको वही बोलना चाहिए, लोगों के दिमाग पर साइकोलॉजिकली किस तरह का हैमरिंग किया था। नहीं नहीं ठीक है भाई, जवाब 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 आपको सोचना होगा और जवाब आपको देना होगा और जवाब आपके भीतर है जिसको आप नकार रहे हैं, बार बार समय समाप्त हो रहा है। श्याम झा जी, भरत प्रजापति जी, आशुतोष शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि आखिर क्या बड़ा बदलाव करना है, लेकिन कांग्रेस इस बात को नकार रही है और शायद याद दिलाने के लिए आनंद शर्मा ने ये इस्तीफा दिया है। बहरहाल देश विदेश की ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।